सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट। हेलो बच्चों, देखिए मैं आप लोग थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैं पूछा है कि जो हमारी नेपथलीन बॉल होती है, नेपथलीन मतलब कपूर, आप लोग जानते हैं। हाँ, आप लोग घर में आता होगा कपूर, जो पूजा वूजा सामान में वही आपका नेपथलीन होता है। तो ये पूछा नेपथलीन जो बाल है डिसअपियर विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, मतलब वो डायरेक्ट ऑपरेट कैसे क्यों हो जाते, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानते हैं, हम लोग ये प्रोसेस पढ़े कि नहीं, सब्लिमेशन प्रोसेस। चलिए बताइए किनको याद सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है। हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता था, सॉलिड से हमारा डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता था, चलिए बताइए आप लोग, गैस में, बिल्कुल। तो उसी प्रकार जब नेपथलीन बाल को हम हीट करते हैं, ठीक है, तो सारा डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, तो इवेपोरेट हो जाता था, हम देख नहीं पाते। तो कुल मिला जुलाकर क्यों नहीं देख पाते, रीजन आप समझ आएगा। हाँ, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट सब्लिमेशन में कन्वर्जन हो जाता है। वही अगला हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि वी कैन गेट ए स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सर्वल मीटर अवर, मतलब अगर हम कहीं दूर पर भी बैठे, मतलब एक रूम है हमारा, यहाँ पे अगर बत्ती आप लोग घर में जब जलाई जाती है तो आप लोग दूसरे रूम में कैसे आ जाता, ठीक है, तो यह कैसे आता है बत्ती, याद है कैसे आता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल सही, हम लोग डिफ्यूजन के थ्रू आते हैं, यहाँ से जितने भी हमारी रहती हैं एयर के थ्रू यहाँ से ट्रांसपेरेंट होके या ट्रांसफार्म होके यहाँ तक आ जाते हैं, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। देखिए हमारा पहला रीजन क्या है, सब्लिमेशन के कारण, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग सब्लिमेशन के कारण, और दूसरा किसके कारण बताइए आप लोग, डिफ्यूजन के कारण। चलिए याद हो गया ना आप लोगों को किसके कारण, आप लोग ये सारे नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। पहला सब्लिमेशन, दूसरा डिफ्यूजन के कारण।